हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम मेंडिंग वॉल को डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। मेंडिंग वॉल अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया एक पोएम है, जो कि 1914 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेकेंड बुक ऑफ पोएम्स नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में पब्लिश हुआ था। और इस पोएम की सेटिंग न्यू इंग्लैंड की रूरल एरियाज की है, जहाँ पर फ्रॉस्ट खुद भी रह रहे थे। और ये पूरा पोएम स्पीकर और नेबर के बीच में एक वॉल के प्रति रहे डिसएग्रीमेंट के बारे में है। मेंडिंग वॉल पोएम एक प्रकार से देखे तो बॉर्डर्स के बारे में है। इस पोएम में स्पीकर और उसका नेबर एक वॉल को रीबिल्ड या रिपेयर करने में ज्यादातर समय स्पेंड कर देते हैं, और इसी दौरान वो दोनों उस वॉल की फंक्शन और कैसे वो वॉल उन दोनों की रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है उसके बारे में बहस करते हैं। जो स्पीकर है वो कहता है कि उन दोनों को वो वॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वॉल उन दोनों की रिलेशनशिप को बिगाड़ रही है। ऑन द अदर हैंड वो नेबर कहता है कि एक्चुअली में वो वॉल उन दोनों की रिलेशनशिप को और बेहतर बनाती है, क्योंकि वो वॉल लोगों को अच्छा व्यवहार करना सिखाती है और लोगों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में भी मदद करती है। इस पूरी पोएम में स्पीकर और नेबर के बीच किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये रीडर के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है कि वो डिसाइड करे कि क्या सही है और क्या गलत है। जो स्पीकर है वो कहता है कि इस वॉल को रिपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और फ्यूचर में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना नहीं है। और स्पीकर ये भी कहता है कि उन दोनों में से किसी के घर में भी कोई काउस नहीं है, तो इस बात का भी डर नहीं है कि काउस एक दूसरे के प्रॉपर्टी में जाकर कुछ नुकसान करे, बल्कि स्पीकर के अनुसार ये वॉल बनाने की प्रोसेस और कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। और स्पीकर और नेबर के बीच अस और देम की भावना पैदा करती है। जैसे कि स्पीकर कहता है कि वो इस वॉल को रिपेयर करने का काम हर साल करते हैं, तो हम इस काम को एज ए रिचुअल भी देख सकते हैं। हर साल स्पीकर और वो नेबर आते हैं और वॉल का जो हिस्सा फ्रॉस्ट और हंटर्स के द्वारा डैमेज हो गया है उसे रिपेयर करते हैं। और ये वॉल रिपेयर करने का काम आसान नहीं है, बाय द एंड उनके हाथ पूरी तरह छिल जाते हैं। और क्योंकि ये वॉल रिपेयर करने का काम बहुत डिफिकल्ट है और इसे हर साल करना पड़ता है, इस वजह से स्पीकर क्वेश्चन करता है कि आखिर क्यों उन्हें इस वॉल को रीबिल्ड या रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि स्पीकर और नेबर को हर साल ये मोनोटोनस वर्क करना पड़ता है कि रॉक्स उठाओ फिर उन्हें वॉल में सेट करो, सो इसलिए हम इस एक्ट को मीथ ऑफ सिसिफस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। सिसिफस को भी एक पनिशमेंट मिला था कि उसे एक बोल्डर को माउंटेन के टॉप पर पुश करना था, लेकिन जब जब वो उस बोल्डर को माउंटेन के टॉप पर पुश करके ले जाता फिर से वो बोल्डर नीचे आ जाते, और सिसिफस को ये एक्ट इटर्नली करना पड़ता है। मेंडिंग वॉल पोएम में भी मीथ ऑफ सिसिफस की तरह एक ही काम को हर साल रिपीट करना पड़ता है, लेकिन मीथ ऑफ सिसिफस में गॉड ने सिसिफस को पनिशमेंट दिया था, लेकिन मेंडिंग वॉल पोएम में फ्रॉस्ट हर साल वॉल को डैमेज कर देता है, जो ये दर्शाता है कि नेचर के पास वो पावर है कि वो मनुष्य की बनाई चीजों को डैमेज कर सके और उन्हें एक ही काम को बार बार करने में मजबूर करे। सो क्योंकि वॉल रिपेयर करने का काम बहुत रिपीटेटिव और फ्रूटलेस था, इसलिए वो स्पीकर सजेस्ट करता है कि वो इस वॉल को रिपेयर करे ही ना, लेकिन वो नेवर इंसिस्ट करता है कि नहीं, उन्हें वो वॉल को रिपेयर करना चाहिए। और इससे वो नेवर ये सजेस्ट करता है कि ये जो काम है वॉल रिपेयर करने का, वो अपने आप में बहुत अच्छा और वैल्यूएबल काम है। ऐसा नहीं भी हो सकता है कि अच्छे फेंसेस अच्छे नेबर्स बनाए, बल्कि जो वर्क है एक साथ इस वॉल को रिपेयर करने का, वो इन दोनों को एक साथ लाती है और उनके रिलेशनशिप को और मजबूत बनाती है। जो स्पीकर है
वो इस वर्क को इसके रिजल्ट के आधार पर सोच रहा है। जैसे वो सोच रहा है कि अगर वो इस वॉल को रिपेयर कर भी ले तो भी उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो नेवर है वो इस वर्क के रिजल्ट पर फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस वर्क को एक अच्छी सोसाइटी बनाने की एक पार्ट की तरह देख रहा है। हालांकि स्पीकर बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करता है, लेकिन वो बहुत एजुकेटेड होता है और उस नेवर के आर्गुमेंट्स को काउंटर करने के लिए फिलोसफी और हेनरी डेविड थोरो की राइटिंग्स का रेफरेंस भी यूज करता है, और स्पीकर ब्लैंक वर्ड्स का यूज करता है ताकि वो रीडर के साथ अपने आइडियाज को रिलेट कर सके। दूसरी तरफ जो नेवर होता है वो बहुत ओल्ड फैशन होता है और पूरी पोएम में एक ही सेंटेंस को दोहराता रहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेवर्स, और वो नेवर बजाय अपने आप सोचने के अपने फादर्स की कही बातों पर रिलाय करता है, और इसी वजह से जो नेवर है वो उसे ओल्ड स्टोन सेवेज कहता है, जो ये सजेस्ट करता है कि वो नेवर अनइनलाइटेंड है और पुराने ट्रेडिशंस पर ज्यादा विश्वास करता है। हालांकि शुरुआत में वो स्पीकर उस वॉल को रिपेयर करना नहीं चाहता है, लेकिन पोएम के अंत होते होते वो स्पीकर उस वॉल को रिपेयर करने में लग जाता है। सो वो स्पीकर चाहे कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो उस नेवर की बात को मानता है, और जो पुराने बिलीव्स थी उस नेवर की उसे भी अनकॉन्शियसली मान ही लेता है। सो जो पोएम है मेंडिंग वॉल वो ये दर्शाता है कि जब तक सोसाइटी में उस नेवर के जैसे लोग रहेंगे और पुराने ट्रेडिशंस और बिलीव्स को फॉलो करेंगे, तब तक सोसाइटी में जो और भी लोग हैं वो भी उनसे आकर्षित होते रहेंगे। सो समाज में जो पुराने विचार रखते हैं उनके विचारों या बिलीव्स को बदलना बहुत मुश्किल होता है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।